दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता रहने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय ऋषि नीलम से बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं लक्ष्मी की ढाल बन के खड़ा हूँ और जो चाहता है वो उखाड़ के दिखा दे। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय ऋषि ने साफ साफ बोलना ये है, लेकिन इधर बात की जाए आखिरकार लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी एक बार फिर से अपना दर्द बयान जो कर रही है वो बाबूजी से कर रही है, ऋषि के बाबूजी, जो कि लक्ष्मी को गले से लगा के बोल रहे हैं कि तू मेरी बेटी है, अगर तुझे जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी ये तेरा बाप हमेशा खड़ा था और हमेशा तेरे साथ खड़ा ही रहेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर अटक चुकी है, क्योंकि बात की जाए इस समय की, तो इस समय बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि अपडेट इस प्रकार से है कि जल्दी ही आखिरकार लक्ष्मी बोलने वाली है कि जो हो रहा है इस परिवार में कहीं ना कहीं गलत तो हो ही रहा है, क्योंकि इस परिवार में किसी और की नहीं चल रही, बल्कि सबसे अधिक जो चलती हुई नज़र आ रही है वो है सीधा सीधा तौर पर अगर देखी जाए तो मलिष्का की, क्योंकि दोस्तों मलिष्का को इन लोगों इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया है कि मलिष्का लगातार अपने एक से बढ़कर एक एक अलग अलग प्लान को क्रिएट कर रही है। क्योंकि मलिष्का का शुरू से ही बोलना ये था कि मैं ऋषि से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और वाकई में दोस्तों करा भी बिल्कुल उसने वैसा ही है, लेकिन आने वाला कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ अटकी है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलती हुई नज़र आने वाली है इस समय मलिष्का, वो भी लक्ष्मी से बोलेगी कि लक्ष्मी ये बताओ आखिर अब तो मैं इस घर से कब जाओगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जल्द से जल्द भगाने के लिए आखिरकार ऐसी ऐसी ट्रिक अपनाई जाएंगी लक्ष्मी के खिलाफ कि जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोग जानते ही हैं बात की जाए इस समय, तो इस समय सभी लोग एक कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बुरा तो हो ही रहा है, और बुरा भी तन मन नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नजर